हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी लवर सिया एंड वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड डेली करेंट अफेयर। सो फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है वो शुगर सप्लाई पर है, जिस पर बैन लगा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों लगा दिया गया, इसके प्राइसेस ना बढ़े इसके कारण से, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो रहे हैं और फेस्टिवल सीज़न अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और उसमें क्या होंगे, शुगर की डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ने से अगर सफिशियंट मात्रा में शुगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो प्राइसेस ना बढ़े जिसके कारण से शुगर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। और वैसे भी इंडिया जो है इस बार यानी 2022 में हर बार से ज़्यादा क्या की है, एक्सपोर्ट की है, जो कि 100 लाख मीट्रिक टन है, यानी 10 मिलियन टन का एक्सपोर्ट की है। और इसके बाद जो है सुधांशु पांडे जो कि क्या है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कहा है कि कंजम्पशन को अब प्रायोरिटी देते हुए ही क्या किया गया, शुगर एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। और इसके साथ ही क्या, इथेनॉल प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए, यानी इथेनॉल प्रोडक्शन क्या है, इथेनॉल क्या एक फ्यूल है और जो कि क्या किया जाएगा आने वाले समय में, डीजल और पेट्रोल में से ब्लेंड करके मिला करके जो डिपेंडेंट इंडिया है इंपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है जो विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में आयल्स की यानी डीजल पेट्रोल की, उस पर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इथेनॉल को अगर ऑयल्स में मिला दिया जाएगा। और इथेनॉल बनता कैसे है, कॉर्न से बनता, अनाजों से बनता है। किससे बनता है, कॉर्न, अनाजों से बनता है। और जिसका प्राइमरी रिसोर्स क्या है, शुगर है। शुगर में अधिक मात्रा पाया जाएगा यानी इथेनॉल बनाने की, बायोफ्यूल्स की अधिक मात्रा पाई जाएगी, बायोफ्यूल्स कॉर्न से बायोफ्यूल और बायोफ्यूल से इथेनॉल, इथेनॉल को ब्लेंड कर दिया जाएगा उसमें। और ये टारगेट रखा गया है, रखा गया था 2030 तक, 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल्स बनाना, लेकिन इसे 30 तक न करके 2025 यानी 25 तक ही इसे पूरा किया जाएगा, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल्स को। 20% यानी अगर 100% ऑयल है तो उसमें 20% क्या रहेगा, इथेनॉल रहेगा। और 80 लीटर क्या रहेगा, पेट्रोल या डीजल रहेगा, 20% इथेनॉल रहेगा, 20 लीटर। ओके, तो इसलिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये जल्दी किया जा रहा है तो ज़्यादा ध्यान देने की वजह से शुगर की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है और इसलिए बैन कर दिया गया। DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने बताया है कि एक्सपोर्ट ऑफ शुगर को अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा, जब डायरेक्टरेट ऑफ शुगर और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, परमिशन देगा, वो भी स्पेसिफिक परमिशन देगा, तो इसे फिर से अलाउ कर दिया जाएगा। और मिस्टर पांडे ने बताया है कि जब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपोर्ट और जो मिल्स हैं शुगर मिल्स के डिपार्टमेंट जो हैं वो क्या करेंगे, अगर इसे अलाउ करते हैं, यानी ये ERO's क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो फिर से शुगर एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया जाएगा। ERO एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर, जब ये रिलीज़ कर दिया जाएगा तो फिर से शुगर क्या कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट करने को अलाउ कर दिया जाएगा। अगर बात करें इंडिया के शुगर प्राइसेस में, इंडिया में शुगर प्राइसेस की, तो होलसेल प्राइसेस जो हैं वो 3150 से लेकर के 3500 पर क्विंटल है, यानी 3150 से लेकर के 3500 पर क्विंटल है होलसेल प्राइसेस। और रिटेल प्राइस की बात करें फुटकर तो ये जो है 36 रुपीज़ से लेकर के 44 रुपीज़ पर केजी हैं, यानी 36 रुपये से 44 रुपये पर केजी हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्राइस हैं इसके, और वो भी किसके अंडर है, 36 से 44 के बीच में। ओके, और ग्लोबल सिचुएशन की बात करें तो क्या है, शुगर की शॉर्टेज है, कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि इस बार ब्राज़ील में शुगर केन की प्रोडक्शन क्या हुई है, कम हुई है। और ब्राज़ील क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है किसका, शुगर का। और इंडिया क्या है, सेकेंड है। और इसके बाद अगर इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करें पर ईयर, तो कितना है, 2017-18
मैं देखें तो टारगेट बनाया गया था 20 लाख मीट्रिक टन को एक्सपोर्ट करने का, लेकिन कितना एक्सपोर्ट हो पाया था, 6.2 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हो पाया था। और 2018-19 में बात करें तो 50 लाख मीट्रिक टन का टारगेट बनाया गया था और कितना हो पाया था, 38 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट किया जा गया था। और फिर 1920 में 60 का बनाया गया और हुआ कितना, 59.6 हुआ। और 2021 में 60 का बनाया गया तो 70 प्लस एक्सपोर्ट किया गया। और 2022 में अभी हम लोग देखे हैं कि 100 मीट्रिक टन की क्या की गई थी, एक्सपोर्ट की गई है, जो कि सबसे ज़्यादा इस बार। यानी हम लोग देख रहे हैं बढ़ते ही आ रहा हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो हमारा बढ़ते ही आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये इंडिया के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं शुगर बनाया किससे जाता, शुगर केन से। शुगर केन की ये कल्टीवेशन के बारे में, इसकी खेती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शुगर केन की खेती के लिए सबसे पहले टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर होनी चाहिए। और क्लाइमेट इसकी क्या होनी चाहिए, हॉट और ह्यूमिड होनी चाहिए, यानी गर्म और आर्द्र होनी चाहिए। और इसका जो रेन, इसके लिए रेनफॉल की जो ज़रूरत है 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है। और इसकी जो मिट्टी की मिट्टी कैसी होती है, इसकी डीप रिच लोमी सोल होती है, लोमी सोल बलुई चिकनी होती है, चिकनी बलुई जिसे कहते हैं, तो ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है। और इंडिया की जो टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार हैं। इन 5 राज्यों में शुगर केन की प्रोड्यूसिंग अच्छे स्तर पे होती है। और इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इंडिया उसके बाद है। फिर इसके बाद इसकी बुआई से कटाई तक किसकी ज़रूरत होती है, मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है, यानी सारे जो इसमें काम होते हैं वो क्या, हाथ से होते हैं। और इसके जो सोर्सेज हैं क्या क्या हैं, इससे क्या क्या बनते हैं, शुगर बनता है, गुड़ बनता है यानी जैगरी, और खंडसरी कहते हैं ये बनता है, और मॉलिसिस बनता है। मॉलिसिस क्या होता है इसे हम लोग देखेंगे, तो ये होता है मॉलिसिस, जो कि किससे बनाया जाता है, गन्ने से, और इसमें इथेनॉल की मात्रा अधिक पाया जाती है, मॉलिसिस से इथेनॉल बनाया जाता है। और ये टाइट मॉलिसिस है, और ये जो है इसका कलर भी दूसरा है, और ब्लैक होता है मॉलिसिस एक होता है, और इससे क्या होता है वो लिक्विड होता है, ये टाइट है और वो लिक्विड होता है। मैं गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, शुगर केन प्रोडक्शन और शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। क्यों कर रही है, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिनके कारण से, वो कौन कौन है, एक सिफासू है जिसे हम सिफासू पढ़ेंगे, SEFASU है, और दूसरा क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है। तो सिफासू का पूरा नाम क्या होगा, स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग्स। और इंडिया में जो कल्टीवेशन की एरिया है वो लार्जेस्ट एरिया है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एरिया है कल्टीवेट करने का शुगर केन को, वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे कम होता है। अगर बात करें कि एक हेक्टेयर में इंडिया में 64.5 टन होता है, और वही एक हेक्टेयर में जावा में जो होता है 90 टन यानी 90 टन का प्रोडक्शन होता है, और हवाई में जो होता है वो 121 टन का प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया में बहुत कम है, अगर इंडिया में इसके अकॉर्डिंग हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो यही क्या होता है कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इंडिया में। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू।